भारतीय सेना के सामने घाटी में नई चुनौती। पुंछ से सोफिया भागे आतंकी, आम लोगों के भेष में छुपे हुए हैं सुअर, सेना ने पूरे इलाके को किया सील। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, चलिए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेना को पुंछ और राजौरी सेक्टर के जंगल में ऑपरेशन भटाधुलिया चलाते चलाते आज 28 दिन पूरे होने को हैं और इस बीच आतंकियों से कई बार भारतीय सेना के जवानों की आमने सामने की मुठभेड़ हुई है, परंतु बीते कुछ दिनों से आप देखेंगे तो लगभग एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो गया है, सेना लगातार भटाधुलिया के जंगलों की गुफाओं और जो सुरंगें हैं उनको खंगाल रही है, परंतु आतंकियों के केवल सुराग मिलते हैं कि यहां पर आतंकी पहले रहा करते थे, अब वहां पर आतंकियों से आमने सामने सेना की मुठभेड़ नहीं हुई है। और दोस्तों, इसी बीच कल जम्मू कश्मीर से देर रात बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दरअसल पुंछ के जंगलों से सटा हुआ इलाका है सोफिया जिला का, और सोफिया जिला का आखिरी गाँव पड़ता है हीरपुरा नाम का, और इसी गाँव के आस पास काफी जंगली इलाका है और इसी जंगली इलाके में आतंकियों का एक देखा गया है जो कि भारी हथियारों से लैस है। इसके साथ ही आतंकवादी पूरे जंगल में जाकर फैल चुके हैं और भारतीय खुफिया विभाग के हिसाब से माने तो आतंकी जो आम ग्रामीण लोग हैं उनके बीच घुलने मिलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सेना को उनको ढेर करने में और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। और दोस्तों, इसी के चलते अब सेना हरकत में आ चुकी है और सोफिया से लेकर पुंछ तक के सारे इलाके को सील कर दिया गया है और अब सेना के 3000 जवान सोफिया जिले से लेकर पूरे पुंछ सेक्टर तक के जंगलों को अब अच्छी तरीके से खंगाल रहे हैं। दोस्तों, पहले आपको मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि सोफिया जिले में कुछ दिनों से अब शांति आ चुकी है, जबकि यदि सोफिया के बारे में बात करें तो दक्षिण कश्मीर का सोफिया आतंकियों का गढ़ माना जाता है और यहां पर अब आतंकी एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं और जो ग्रामीण लोग हैं उनके हिसाब से माने तो जंगल में 7 से लेकर 8 की संख्या में हथियारों से लैस आतंकी देखे गए हैं, जिनको ठोकने के लिए अब भारतीय सेना इस इलाके को चारों तरफ से घेर चुकी है। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारे पैरा कमांडोज भी अब जंगल में उतर चुके हैं और सेना चारों तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को घेरने की प्रयास में है। परंतु दोस्तों, सेना के सामने एक बड़ी मुश्किल यह है कि एक तो जो सुअर हैं वो आम ग्रामीण लोगों के भेष में छुपे हुए हैं और दूसरी बात यह है कि यह ग्रामीण इलाका काफी भीड़ भाड़ा है और यहाँ पर सेना खुल के सर्च ऑपरेशन नहीं चला सकती है, क्योंकि यदि आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ होती है तो फिर ग्रामीणों के घायल होने का भी खतरा रहता है। जंगल की बात अलग रहती है, जंगल में सेना आतंकियों को जैसे चाहे भैंसे ठोक सकती है। बाकी दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।